घटना के अनुसार 17 सितंबर की रात पुलिस थाना कोतवाली अलीराजपुर में पद सूचना संकल्प आरक्षण गंगाराम सोलंकी और आरक्षक नागर सिंह चहलुम त्योहार के ताजियों की जानकारी लेने के लिए असाड़पुरा क्षेत्र की ओर जा रहे। इसी दौरान सोरवा नाका तिराहे पर अलीराजपुर थाना क्षेत्र का गुंडा बदमाश बीनू उस प्रवीण द्वारा गंगाराम के सिर पर प्राण घातक हमला किया। आरक्षक गंगाराम पर हमला कर भागने के दौरान गिरने से बीनू को चोट आई। उसे अस्पताल उपचार हेतु ले जाया गया था। इसी दौरान वह डराते धमकाते हुए जिला अस्पताल से पुलिस और अस्पताल स्टाफ को चकमा देकर भाग निकाला। बदमाश बीनू को पकड़ने हेतु चारों तरफ से घेराबंदी की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह तत्काल मौके पर पहुंचे तथा तत्काल एक ओर से उन्होंने स्वयं एवं दूसरी तरफ से SDOP अलीराजपुर श्रद्धा सोनकर एवं थाना प्रभारी कोतवाली श्री शिवराम तिलोरे एवं पुलिस बल द्वारा बीनू को भैडिया के चौकी एवं दीपा की चौकी की सीमा पर घेराबंदी कर रोकने का प्रयास किया। प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्यवाही करने हेतु पुलिस लगातार बदमाश बीनू को तलाश कर रही, परंतु वह भागता रहा। शनिवार रात्रि 9:15 पर कड़ी पेट्रोलिंग कर रहे जवान गंगाराम पर प्राण घातक हमला करने की घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस द्वारा बीनू का शॉर्ट एनकाउंटर कर हिरासत में लिया गया। घायल अवस्था में बदमाश बीनू को जिला चिकित्सालय अलीराजपुर में उपचारार्थ भर्ती किया गया। आरक्षक गंगाराम भी जिला अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए मनीष अरोड़ा की रिपोर्ट। शासकीय ड्यूटी के दौरान हमारे कांस्टेबल पर प्राण घातक हमला किया। सूचना मिलते ही मैं स्वतः अपनी पूरी टीम के साथ उसकी घेराबंदी करना शुरू किया। अस्पताल के चकमा देकर के पुलिस को चुनौती देते हुए चांदपुर रोड तरफ भागा। हम लोगों ने लगातार उसका पीछे किए। पीछा करने के बाद एक तरफ से मैं, दूसरी तरफ से हमारी पूरी टीम SDOP अलीराजपुर PI अलीराजपुर पहुँचे। दोनों तरफ से पुलिस से घिरा देख करके साथ ही बदमाश बिल्लू पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिससे मैं स्वतः हमारी SDOP थाना प्रभारी बाल बाल बचे। हम लोगों ने अपने जान को जोखिम में देख खतरे को भागते हुए, जब मैंने उसको चेतावनी दिया कि सरेंडर कर दो, सरेंडर नहीं किया, उसके बाद ही गोली चालन किया। हम लोगों ने आत्मरक्षार्थ उसकी गोली चलाई, जिस कारण उसके पैर में गोली लगी। गोली लगते ही वो वहाँ पर गिर पड़ा। गिरने के बाद उसे हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर के उस पर उपचारार्थ उसको अस्पताल में जाए। इस प्रकार शॉर्ट इनकाउंटर करके हमारी पुलिस टीम ने तत्काल गुंडे को पकड़ने में, गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।